हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है, आज हम जा रहे हैं अयोध्या की ओर, जो कि बाबा भोलेनाथ जी के साथ पूरा काफिला निकल रहा है। और ये आप देख सकते हैं अभी परेड किस प्रकार से भीड़ हो रही है गाड़ियों की। ये चारों तरफ पूरा काफिला खड़ा है बाबा जी का, और अभी आपको दिखाएंगे अंदर। देखते हो किस प्रकार से आयोजन हो रहा है मेले का। परेड ग्राउंड देहरादून तो गाइस आप देख सकते हैं धामी सरकार जी द्वारा पूरा आयोजन किया गया है आज प्रोग्राम का यहाँ पर। और सभी श्रद्धालुगण आए हैं गांव से भी, यहाँ देहरादून से भी आए हैं। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर प्रोग्राम होने जा रहा है अभी। और यहाँ पर विकास टमटा जी हमको अवेलेबल दिख रहे हैं। इस बाबा भोलेनाथ जी पहुँच चुके हैं परेड ग्राउंड देहरादून में। अभी चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से स्वागत होता है बाबा भोलेनाथ जी का और दर्शन करते हैं सर्वप्रथम बाबा भोलेनाथ एवं माँ भगवती के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, आपको दर्शन कराता हूँ इसके बाद। सो गाइस, ये परेड ग्राउंड देहरादून आप देख सकते हैं, बाबा भोलेनाथ जी पहुँच चुके हैं अपने स्थान पर। यहाँ से ही यात्रा आरंभ होने जाएगी और सभी श्रद्धालुगण एवं बारह गाँववासी पहुँच चुके हैं, आपको दर्शन कराते हैं बाबा जी के। ये आप देख सकते हैं फूलों से सजी इस गाड़ी में बाबा भोलेनाथ जी पहुँच चुके हैं। और ये देखिए भाटिया से जी हमारे गांव के माड़िया भाई भी पहुँच चुके हैं, और अभी बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन कराएंगे आपको जरूर। इस गाड़ी में आए बाबा भोलेनाथ जी और माता भगवती की डोली भी आपको दिखाएंगे। और ये देहरादून परेड ग्राउंड का नज़ारा आप देख सकते हैं, सभी श्रद्धालु गण पहुँचे हैं। अंशुमन भाई भी इधर अवेलेबल है हमारे साथ। अंशुमन भाई आप जा रहे हो कहाँ कहाँ जा रहे हैं यार, जा रहे हो क्या आप? आप देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ हो रही है देहरादून परेड ग्राउंड का ये दृश्य। और रोहित भाई सामने आपको नजर आते हुए दिखा देते हैं पूरा आपको किस तरीके से परेड ग्राउंड में आज बाबा जी के दर्शन करने आए हुए हैं सारे श्रद्धालु। बाबा भोलेनाथ जी परेड ग्राउंड में एक गाड़ी है जिसमें बाबा जी आए हैं, और सभी लोग श्रद्धालु भी इधर ही पीछे पीछे चले आ रहे हैं। किस प्रकार से भीड़, बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन कर लीजिएगा किस प्रकार से। तो गाइस पूरा काफिला बाबा भोलेनाथ जी का है, जो कि प्रोग्राम यहाँ पर शेड्यूल किया गया है। और यहाँ पर भंडारा हर चीज़ की व्यवस्था की गई है, खाना खुना हर चीज़ से लेके। और परेड ग्राउंड का ये दृश्य काफ़ी मनमोहक है, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाबा जी की गाड़ी को सजाया गया है। बाबा के दर्शन मैं आपको करा चुका हूँ पहले। और भीड़ भाड़ है, सारे पूरे पब्लिक जो है बाबा के साथ यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। रही बात सिकारा टर्नल की, सिकारा टर्नल आप सब लोगों के सामने है, और हमने प्रत्येक गाड़ी में सिकारा टर्नल के बैनर भी लगा रखे हैं, जो कि हमारे सामने जब जिस दिन रेस्क्यू किया गया 41 मजदूरों को, तो बाबा के माली संजय प्रसाद जी मेरे द्वारा पहले पूजा की गई। वहाँ पर सारे सरकार सारे प्रशासन वहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे, और बाबा की कृपा से 41 जिंदगियाँ बच पाई, और हमको बाबा
बाबा के अनन्य भक्त हैं, हमें तो उनके हर बात पर विश्वास है और हर चमत्कार हम लोग देखते हैं। एक अनेको चमत्कार हमारे सामने आ रहा है और इस कार्यक्रम से पूरा देश विदेश बाबा के चमत्कार से वाकिफ हो गया। किस तरह की कोई यात्रा पहले आपको याद है? सर, आज तक जितनी भी यात्राएं बाबा भोगनाथ की रही, सब बद्रीनाथ केदारनाथ यानी कि बाबा का भोगनाथ धाम की बात जो भरपूर रवाई में है, उससे सब ऊपर अपने से मतलब हाइट की तरफ यात्रा हुई है। ये इतिहास में पहले बार यात्रा है कि पहले बार अगर बाबा भोगनाथ जो है किसी शहर की तरफ या ट्रेन की तरफ यात्रा पर जा रहे हैं। ये पूरे जो आप देख रहे हैं हिमाचल के जो thank you।
अभी आपके सामने प्रस्तुति दे रहे हैं पूरे रवाई घाटी के बाबा बोखना के जितने भी श्रद्धालुगण हैं अपनी एक प्रस्तुति दिखा रहे हैं आपको। और आप देख सकते हैं पहुंचाए। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं आप अपनी डोली को छोड़ के आप सभी लोग कृपया डोली को छोड़ दें जितने भी लोग आप डोली को जो एक मिनट चल रहा है अभी भाषणबाजी और हम निकलते हैं।